पूरी दुनिया इरफान खान के डेथ की खबर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ऐसे में बॉलीवुड से एक और बहुत बड़ी दुखद खबर आई है। ऋषि कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जी हाँ, ऋषि कपूर को कल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। HN रिलायंस हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवाया था, जिसके बाद उनके भाई रणधीर कपूर ने मीडिया में कहा था कि ऋषि कपूर को आज हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, सांस की तकलीफ थी लेकिन अब उनकी हालत स्थिर है। लेकिन आज सुबह ही खबर आई कि ऋषि कपूर इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि ऋषि कपूर कैंसर से ग्रस्त थे और पिछले साल सितंबर में ही वो US से अपना इलाज करके इंडिया लौटे थे। उसके बाद फरवरी में जब वो दिल्ली में एक फैमिली फंक्शन में गए थे, तब उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी और फिर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। और उसके बाद जब वो मुंबई लौटे तो वायरल फीवर के कारण भी कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल में रहे थे। ऋषि कपूर इस बीच सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे। उन्होंने टाइम टाइम पर देश के जो हालात हैं उन पर अपना ओपिनियन रखा है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थे और कल खबर आई थी उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की। और आज सुबह खबर आ गई कि ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 67 की एज में ही ऋषि कपूर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ऋषि कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इस बात को सबसे पहले शेयर किया उनके दोस्त, उनके कलीग, उनके रिलेटिव अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया कि वो ये न्यूज़ सुनकर बहुत ही शॉक्ड है और वो डिस्ट्रॉयड फील कर रहे हैं। बॉलीवुड ठिकाना श्रद्धांजलि अर्पित करता है महान कलाकार ऋषि कपूर को। साथ ही हम आशा करते हैं कि इस दुख की घड़ी में रणबीर कपूर और नीतू कपूर हिम्मत से काम लें।